नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। इनेलो SYL के मुद्दे को लेकर के कर रही है राजनीति। इनेलो व भाजपा दोनों ही पार्टियां SYL मुद्दे पर कर रही है ड्रामेबाजी। जी हां, ये बात कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने कही। प्रदेश में इनेलो SYL के मुद्दे को लेकर के राजनीति कर रही है वह इनेलो व भाजपा दोनों ही पार्टियां ड्रामेबाजी कर रही है, क्योंकि SYL का पानी हरियाणा में लाने के लिए इनेलो व भाजपा जरा भी गंभीर नहीं है। इस प्रकार के मुद्दे पर वह केवल राजनीतिक रोटियां सेक रही है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने कैथल जिला के कस्बा चीका में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जब प्रदेश में इनेलो की सरकार थी और पंजाब में अकाली दल की सरकार थी, तब उन्होंने SYL का पानी हरियाणा में लाने का प्रयास क्यों नहीं किया। अब ये केवल एक जुमला है जिसे प्रदेश की जनता समझ चुकी है और SYL के मुद्दे को लेकर के उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। पत्रकारों द्वारा कांग्रेस पार्टी में फूट होने संबंधी पूछे गए सवाल की हल्का गुहला से इस समय कांग्रेस पार्टी में तीन दिग्गज बड़े नेता हैं जो विधानसभा में पहुंच चुके हैं, मगर उनमें से आज की रैली में कोई दिखाई नहीं दे रहा। जिसके जवाब में तंवर ने जवाब दिया कि टिकट उसे मिलेगा जिसे जनता कहेगी और जो कांग्रेस संगठन के लिए मेहनत कर रहा है। रही बात रैली में न पहुंचने की, किसी को अपना कोई घरेलू काम भी हो सकता है। अब तक की कांग्रेस की गोहला में हुई रैलियों में जुटी भीड़ के बारे में कहा कि 90 विधानसभा सीटों में गोहला कांग्रेस की सीट पर जीत हर हालत में पक्की है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो नोटबंदी और GST का कानून लागू किया है उसमें देश और प्रदेश की जनता लाभ मिलने की बजाय उल्टा नुकसान हुआ है। नोटबंदी का असली फायदा केवल भाजपा नेताओं को हुआ है जिन्होंने अपनी काली कमाई को सफेद करने में अहम भूमिका निभाई है। तंवर ने केंद्र की मोदी व प्रदेश की खट्टर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग की कल्याणकारी नीतियों व रोजगार के लिए कांग्रेस द्वारा बनाए गए पिछड़ा वर्ग आयोग और कानून को खत्म किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा नौकरियों की भर्ती के लिए दिए जाने वाले वैकबॉर्ड क्लास व बैकलॉग को भी मोदी सरकार ने खत्म कर दिया और कोई नई स्कीम भी आज तक लागू नहीं की। आप देख रहे पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की ये रिपोर्ट। सरकार में करती है लेकिन कुछ करती नहीं है, जब समय आए तो उनके विपरीत काम करती है। सामाजिक भाईचारा और सद्भावना खत्म करती है, प्रदेश के अंदर हिंसा करवाती है, बार बार जलाने का काम करती है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसने हमेशा सबको एक साथ रखकर के सारे सब समाज को किस तरीके से हम साथ ले रखे हुए। देश के हमारे जितने भी धर्म, पूरी दुनिया के जितने धर्म, वो हिंदुस्तान के अंदर और उसके माध्यम से कैसे हम आगे समाज को देश को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारा भाईचारा नहीं होगा तब तक शांति और अमन चैन ये नहीं हो सकता किसी भी प्रदेश के अंदर, किसी भी समाज के अंदर। उद्योग धंधे लगेंगे, तभी हमारे नौजवान को रोजगार मिलेगा, किसान को फसल का
का उचित मूल्य मिलेगा, कर्मचारी माताएं बहनें सुरक्षित रह सकेंगी। तो इसलिए एक अच्छी शुरुआत हुई है और मैं समझता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर होने चाहिए। और साथ साथ यहाँ सर्वजातीय सम्मेलन में हम सर्वजाति पूरे हरियाणा को एक करने की बात कर रहे हैं, भाई हमें खुद भी ये संकल्प लेना है कि कांग्रेस में भी सब एक दूसरे का साथ दे। आपने कहा कि, और मैंने कहा कि गुना की सीट ऐतिहासिक वोट के साथ कांग्रेस पार्टी जीतेगी, सांसद भी जीतेंगे, विधायक भी जीतेंगे, और जो 80 से ज़्यादा हम सीटें कहते हैं, 10 की 10 लोकसभा कहते हैं, उसमें एक बड़ी भूमिका तो अभी तो सब मिल के काम करें। और जब पार्टी का सर्वे होगा, जनता की आवाज़ जिसके साथ जुड़ी होगी, जो जीतने के लिए काबिल होगा, उसी को अगली पार्टी की। मैं कह रहा हूँ कि नया पुराना जो भी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, जो काम कर रहा है, उसी को होगा। नए पुराने का सवाल नहीं होता, सवाल ये होता है कि जीतने वाला कौन है। हमें जीतना है और जीतने वाली छवि और जिसका संकल्प है, जिसका संघर्ष होगा, उसको पार्टी आगे ले। ये समाज के दबे कुचले शोषित वर्ग से है, अच्छी शुरुआत है, अभी बहुत कुछ इन्होंने आगे करना है, देखना है। हमारी शुभकामनाएं हैं और शुभकामनाओं के साथ साथ जहाँ भी हम मदद कर सकते हैं, तो इसलिए हमने तो इनको ये कहा कि भविष्य है। उन्दू भाई ने भी कहा, हमने भी कहा, जब इन्होंने 22-23 साल की उम्र में इतना संघर्ष करके ऐसा स्थान बनाया है, तो इसी तरीके से मेहनत करते रहें, इनका भविष्य उज्जवल होगा। 33% आरक्षण जब कांग्रेस पार्टी दिलवाएगी, तो वैसा भी समय आएगा कि ये विधानसभा की क्यों आप बात कर रहे हैं, लोकसभा भी लड़ सकते हैं। तो इसलिए ये मेहनत करें और ऐसे साथी पूरे संकल्प के साथ आज राहुल जी का साथ दें, क्योंकि वो एक इन्हीं भाइयों की बहनों की सब लोगों की मिलकर के इस मुल्क के 130 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं जिनका व्यवहार, जिनकी सोच तानाशाही है, भ्रष्ट है, और जो मुल्क को लूटना चाहते हैं, लूट खसोट करके ख़त्म करना चाहते हैं। पहले वो गद्दारों के साथ देश में आज़ादी की लड़ाई में गद्दारी उन्होंने करी, और अब दूसरे तरीके से, तो ये जो लोग हैं उनके खिलाफ मैं समझता हूँ कि एक दूसरे करके